हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मॉम स्टार इंडिया। आज मैंने ऐसे कोई सोचा नहीं था कि कोई व्लॉग करूँगी या कुछ भी, ऐसा बिल्कुल प्लान नहीं था, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रॉसरी लेने जाना था, वो भी मुझे जल्दी से जा करके लेकर आ जाना था। लेकिन जो सिचुएशन मैंने बाहर देखी गई, क्योंकि मैं पूरा पूरा 1 महीने बाद घर से बाहर गई थी, तो मुझे जो सिचुएशन बाहर देखने मिली, इतना पैनिक सिचुएशन थी और बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी मैंने मेरे लिए, क्योंकि मैंने नागपुर को कभी ऐसे देखा नहीं था। और जिस एरिया में मैं रहती हूँ, बहुत रश एरिया, मार्केट एरिया है बेसिकली, लाइक सदर बाजार होता है या कोई भी ऐसे आप जो मार्केट प्लेस होता है, इट इज़ लाइक दैट ओनली। और वो इतना सुनसान देख करके आई वॉज फीलिंग वेरी स्केरी देयर। तो जब हम लोग घर से बाहर निकले, मैंने नीरव, हमारा बाजू पड़ोस के घर में इज़ हैविंग अ बाथ, और फिर वो वहीं पे खा पी कर सो गया। तो लाइक हमने सोचा कि थोड़ा सा ग्रॉसरी और 1-2 महीने के लिए लेकर आ जाते, क्योंकि मैंने ग्रॉसरी जो लास्ट मंथ खरीदी थी वो मैंने इस लॉकडाउन के पहले खरीदी थी, तो आई डोंट हैव एन आइडिया कि ये सब कुछ होने वाला है, अदरवाइज मैं तभी सब कुछ खरीद लेती थी। तो फिर मैं और अमित गए बाहर, और उसमें उस समय मैंने थोड़ा सा कुछ भी शूटिंग किया कि यार ये सब भी हमारे लिए बहुत यादगार होगा, इस तरह का माहौल देखना, कभी शायद हो सकता है कि फ्यूचर में कभी आप ऐसा माहौल देखे ना। तो आई फील लाइक कि क्यों ना मैं ये सब आपको भी दिखाऊं के लिए। तो आई वॉज लाइक एक बहुत बड़ा सा ट्रक चल रहा था, वो ट्रक वाला ट्रक में एक सैनिटाइजर, पूरे जो पेड़ होते उनको सैनिटाइज कर रहा था, वो पूरे बिल्डिंग्स को बाहर से सैनिटाइज कर रहा था, और आने जाने वाली जो कार्स होती है, कार में लोग जो इधर उधर जाते हैं सामान लेने या व्हाटएवर, वो कार तक को वो सैनिटाइज कर रहा था, इवन आने जाने वाले लोगों को भी वो सैनिटाइज कर रहा था। वो मुझे बहुत अच्छा लगा, गवर्नमेंट की जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है या इनिशिएटिव ले रही है, इट वाज लाइक अ मिरेकल फॉर मी। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडिया ने जो मिसाल कायम करी है दुनिया भर पे, इट वाज लाइक नथिंग बेटर देन, मतलब इससे कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। फिर हम लोग के घर के पास एक एम्प्रेस मॉल है, वहाँ पर पे हम गए। तो हम लोग को मैसेज आया था कि बिग बाज़ार वहाँ का खुला हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो खुला नहीं था, वो बंद था। उसने बोला कि आपको लैंडमार्क जाना पड़ेगा। हमने एक बारी को तो सोचा कि इतनी दूर हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, फिर मेरे को एक सेकेंड थॉट आया कि थोड़ा सा सामान मैं ज़्यादा खरीद लेती हूँ, ताकि क्योंकि मेरे बड़े बेटे को, नील को, खाने का बहुत शौक है, उसे लज़ानिया, पिज़्ज़ा, पास्ता, इस तरह की चीज़ों का भी बहुत शौक होता है, लेकिन बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन वो बाहर से तो कुछ खा नहीं सकता है, लेकिन मैं एटलीस्ट घर पर उसके लिए प्रिपेयर करूँ। तो आई थॉट लाइक कि थोड़े से हर्ब्स लेके आ जाती हूँ, थोड़ा सा मोज़ेरेला चीज़ लेकर आ जाती हूँ। तो ये सब के लिए मैंने सोचा कि नहीं यार, एक बार तो चले जाते तो थोड़ा सा हम ज़्यादा खरीद कर ले आएंगे, और हमने किया भी एग्जैक्टली ऐसा ही। देन आई वेंट अप टू द मार्केट, जैसे बर्डी की तरफ हम लोग गए, और वहाँ पे गई मॉल के अंदर, ओ बॉय क्या सिचुएशन थी। आपको एक जो भरा हुआ मॉल था, बर्डी का मॉल, वो एकदम से खाली दिख रहा है, कोई नहीं है आसपास। आपको जहाँ पे पार्किंग स्पेस के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है, वहाँ पे आपको आराम से पार्किंग स्पेस मिल जाए, सोचिए आप। और फिर अंदर हम गए तो वहाँ पे कुछ चेयर्स रखी हुई थी डिस्टेंस में, वो डिस्टेंस आपको मेंटेन करते हुए, फिर बाद में वो आपके हाथ को सैनिटाइज कर रहा था बंदा, फिर आपका टेम्परेचर ले रहा था, और एक बारी में एक ही लोग, इस जैसे कि मैं और अमित गए थे तो हम ही जाएंगे वो लिफ्ट में, और लिफ्ट में भी दूसरी तरफ मुंह करके खड़े रह के ऐसा हमको इंस्ट्रक्शंस दिया था वो लिफ्ट ऑपरेटर ने। और फिर जब हम ऊपर गए तो जो बंदे थे उनको कहा कि आप बाहर थोड़ा सा दूरी पर रुकिए, लेट देम कम आउट, और फिर आप अंदर जाइए। तो इस तरह से हम लोगों ने फिर ग्रॉसरी शॉपिंग करी, वहाँ पे भी काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल्स थे, यू हैव टू शॉप फॉर ग्रॉसरी ओनली, बाकी सब एरिया को उन्होंने पैक कर लिया था, आपको बाकी कुछ भी वहाँ पे खरीदने नहीं दिया जा रहा था। अब ये सब तो हुआ कि ग्रॉसरी हमने कैसे
जैसे हम लोगों को नॉर्मली जो शक्कर लगती है, शुगर लगती है, उससे हमने तो दो तीन गुना ज़्यादा शुगर ले ली थी। लाइक अभी गर्मी है तो पना बनता है, आमरस बनता है, या मीठे में काफ़ी चीज़ बनती है। बच्चे घर में हैं, दे ऑल्सो नीड लॉट्स ऑफ शुगर, रसना बनता है, तो उस वजह से शुगर ज़्यादा लगती है। तो आई फाइंड लाइक कि कम से कम 10 kg ऑफ शुगर हमें ले लेनी चाहिए फॉर 2 months ओनली। चीज़ें होती है घर में लगती है, वो सब ले ली। हर्ब्स में मुझे लगता है कि इम्पोर्ट नहीं हो रहा है या वॉट एवर इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। तो वहाँ पे मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं। मुझे जैसे बासिल से लेना था, पेपरिका लेना था, वो सब कुछ मुझे मिला नहीं। देन हम लोग घर वापस आए तो मैं न्यूज़ में क्या देखती हूँ बॉय, कि 14 cases बढ़ गए हैं नागपुर में एकदम से पॉजिटिव एक ही दिन में। और आज सुबह जब मैंने देखा तो यार 5 cases और बढ़ गए हैं, तो लाइक 49 positive cases इन नागपुर हो चुके हैं। और हमारे महाराष्ट्र में जो नागपुर आता है वो सबसे रेड जोन उसको डिक्लेयर कर दिया, और सबसे पैनिक सिचुएशन अभी फ़िलहाल यहीं पे है। हम लोग जो इस जिस एरिया में रहते हैं वो भी काफ़ी पास में है जहाँ से इस तरह के पॉजिटिव केसेस बाहर आ रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल थैंक टू गॉड कि अभी हमारे एरिया को सील नहीं किया है, लेकिन वी आर टेकिंग अ वेरी गुड प्रिकॉशनरी मेजर्स। बच्चे जैसे मेरा बेटा है बड़ा, वो बाहर तो कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन बिल्डिंग के बच्चों के साथ ही खेल रहा है। लेकिन हमारे बिल्डिंग में कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं करना चाहिए, तो आई एम थिंकिंग ऑफ दैट कि कोशिश करती हूँ कि उसे घर में ही रखूँ। और हम लोग थोड़ा सा बाहर तो नहीं जाते हैं, लेकिन एकदम एक्सट्रीमली जैसे मेरा डोर खोले और एकदम बाजू के डोर में हम लोग थोड़ा सा ताशवाश खेलते हैं, लेकिन उसके लिए भी लगता है लोगों को कि शायद दैट इज़ नॉट राइट। लेकिन अगर इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ बाई एट होम, और हमारे आस पड़ोस में भी अगर कोई बाई नहीं आ रही, और मेरा बेटा ऑलमोस्ट उसके घर रोज जाता है, अगर और उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है पिछले 15-20 days में, तो आई डोंट थिंक कि वहाँ कोई प्रॉब्लम या कोई किसी तरह का डर है। और दैट इज़ ऑल बिकॉज जो भी मैं कर रही हूँ, ऑल आई एम टेकिंग ऑन माई ओन रिस्क, लेकिन दैट इज़ नॉट अ रिस्क बेसिकली, क्योंकि वो भी उतने ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं जितने कि हम। और एक्सट्रीम पड़ोस के घर में वो बहुत ज़्यादा आदी है, हनी का मेरा छोटा बेटा नीरव बहुत ज़्यादा आदी है उसका, और उसी के यहाँ सोता है, खाता है, नहाता है, लाइक वो और सब कुछ उसके यहाँ करता है। तो मैंने सोचा कि वाई नॉट ही स्पेंड सम टाइम विथ हर सो दैट ही फील्स गुड, क्योंकि वो और तो कुछ जा नहीं पाता, पार्क नहीं जा पाता, नीचे नहीं जा पाता, साइकिल नहीं चला पाता। तो आई फील लाइक कि दैट इज़ द गुड वे इफ़ ही इज़ एंगेज हिमसेल्फ इन समथिंग रेदर देन इन गैजेट्स बेसिकली, सो दैट इज़ गुड। और हम लोग को भी थोड़ा सा एंगेजमेंट और एन्जॉयमेंट का टाइम मिल जाता है। जब हमारे बच्चे आपस में खेलते रहते हैं तो हम लोग भी आपस में ताश वाश लेके बैठ जाते हैं और खेलते हैं, थोड़ी सी हंसी मजाक भी हो जाती है, और एटलीस्ट गॉसिपिंग्स नहीं करते, एक दूसरे की बुराई नहीं करते, किसी का लेना देना नहीं करते। तो डैट इज़ द गुड थिंग वॉट वी आर डूइंग इन आर डेली लाइफ। और सो आप लोग भी मुझे सजेस्ट करिए थ्रू कमेंट, नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं क्या जो हम हमारे बच्चों को थोड़ा सा आपस में, जो लोग खेलते हैं, नील बिल्डिंग के बाहर कहीं नहीं जाता है और बिल्डिंग के अंदर ही ये बच्चे आपस में खेलते हैं, सेफली खेलते हैं, दे आर सैनिटाइजिंग देयर हैंड्स ऑन एंड ऑन। और हम लोग जैसे पड़ोस के घर में जाते हैं, क्योंकि हमारे मेरा बेटा जैसे कि मैंने आपको जो भी एक्सप्लेन किया है, क्या वो सही है नहीं है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, सो दैट अगर मेरे दिमाग में कोई कन्फ्यूजन है या आई फील लाइक अगर आपके कमेंट से मुझे ऐसा लगता है कि कुछ सजेशंस मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, तो आप प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए और बताइए क्या क्या ये सही है या गलत है। सो आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।